अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैंने चंद प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, उनका रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि हर वक्त हम लोग रेमेडीज़ लगा के इतना टाइम कभी हमें नहीं मिलता। जैसे मेरी बहन की शादी है तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रेमेडीज़ वगैरह बना के अपने फेस पे अप्लाई करूँ। तो प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि कौन से चूज़ करें, कैसे करें कि हमें नुकसान भी ना हो और हमारी स्किन भी अच्छी रहे और हमारा कलर भी डिम ना हो। तो आज मैंने चंद क्रीम्स मंगवाई हैं, जिसमें फेस वॉश है और डे क्रीम है, नाइट क्रीम है और फ्रिकल्स की क्रीम है, जो मैं अपने जो फेस पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसका सही तरीके से रिव्यू भी शेयर करूंगी और इन चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी कि कैसी हैं, मुझे अच्छी लगी हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। और इन चीज़ों में भी नेचुरल चीज़ें शामिल हैं और इन चीज़ों में इतने केमिकल नहीं है, नेचुरल चीज़ें भी ऐड की हुई हैं। तो मैं आपके साथ इनका सही तरीके से रिव्यू शेयर करती हूं और मैंने किस वजह से ये मंगवाई है ये भी आपको आगे चल के बताती हूं। तो जल्दी से चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली रेमेडीज़, DIYs और हैक्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। विंसे एक्स्ट्रा ग्लो लाइटनिंग क्रीम है, काफ़ी बेहतरीन है, विथ नीम, तुलसी एंड टर्मरिक। मुझे इसमें नेचुरल सी चीज़ें नज़र आई तो मुझे काफ़ी ये बेस्ट लगी है। और उसके अलावा जो है इसमें तुलसी का वाटर ऐड किया हुआ है, तो इस हिसाब से ये बेस्ट है। स्किन का कलर भी अच्छा करेगी और आपकी जो स्किन पे डार्क स्पॉट्स होंगे उन्हें दूर करेगी और आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ाएगी, काफ़ी बेस्ट नज़र आ रही है, आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट बनाएगी। तो बाकी तो मैं ये यूज़ करूँगी तो सही तरीके से आपको बताऊँगी कि कितने दिनों में इस क्रीम ने अपना फ़ायदा हमें दिखाया है, कितनी अच्छी लगी है। तो वो तो बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल मुझे ये बेस्ट लगी है क्योंकि कभी कभार हमें रेमेडीज़ वगैरह बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो स्किन की केयर करना ज़रूरी है। इस हिसाब से ये काफ़ी बेहतरीन है, तो आप ये अच्छे तरीके से नाइट में अप्लाई करके सो जाएं तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट्स देगी और इंशाल्लाह ग्लो भी होगा स्किन आपकी, जो है कलर फेयर होने के साथ साथ हेल्दी भी होगी, स्किन पे ग्लो भी आएगा, ये लिखा हुआ है, बाकी यूज़ करने के बाद पता चलेगा। और उसके बाद जो है विंसे की ही मेरे पास है फ्रिकल क्रीम्स। फ्रिकल क्रीम है जिसकी फेस पे छाइयाँ हो जाती हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसके लिए ये बेस्ट है, काफ़ी बेहतरीन क्रीम है। पहले किसी ने यूज़ की थी तो अच्छे रिजल्ट्स बताए थे, मैंने सोचा मैं खुद मंगवा के खुद ये यूज़ करूँगी, उसके बाद इसका जो है आप लोगों के साथ सही जो है रिव्यू शेयर करूँगी। काफ़ी बेहतरीन पावरफुल क्रीम है, आपकी कितनी भी पुरानी छाइयाँ होंगी तो इससे दूर हो जाएंगी। आप लोग ये दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन है, आपकी कितनी भी पुरानी छाइयाँ हों इससे दूर होंगी। और इसमें ख़ास बात यह है कि छाइयों की अक्सर क्रीम जो होती है वो हमारा कलर फेयर नहीं करती, ये साथ ही साथ आपकी स्किन को स्मूथ करेगी, क्लियर करेगी, कलर भी फेयर होगा और आपकी स्किन इससे सॉफ्ट हो जाएगी, काफ़ी आपको बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट देगी इस पे लिखा हुआ है। और आपकी स्किन पे साथ साथ जो भी डार्क स्पॉट्स होंगे, आपकी स्किन का कलर अगर डार्क है ज़्यादा तो उसे फेयर बनाएगी और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। दिन में 2 दफ़ा यूज़ करनी है, इंशाल्लाह ये भी यूज़ करने के बाद कैसे रिजल्ट मिले हैं, किस टाइप की है और कितनी देर हमें लगानी चाहिए, बाकी डिटेल में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और उसके अलावा ये डॉक्टर रशियल की फेयरनेस क्रीम है, डे क्रीम, तो डे में यूज़ करनी है, 2 दफ़ा लगानी है, तो इसमें SPF 20 भी शामिल है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगी 24 आवर्स, इवन टोन बढ़ाएगी और आपकी स्किन पे एक बेहतरीन लुक देगी। और ये भी दिन में 2 दफ़ा आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें वाटर, ग्लिसरीन और काफ़ी लाइट सी चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं, तो ये भी इतनी हार्मफुल नहीं है, आपकी स्किन पे अच्छा इफ़ेक्ट देगी। जैसे होता है कि मॉर्निंग में हम उठते हैं, फेस को वॉश करने के बाद, क्लीन करने के बाद आप लोगों ने ये अप्लाई कर लेनी है और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट बताए जाते हैं इस क्रीम के। ये भी जाहिर बात है काफ़ी देखभाल के मैंने ये मंगवाई है, तो आप लोगों को ये यूज़ करने के बाद कोई भी सनब्लॉक वगैरह भी दिन में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को ये होता है कि हम डे क्रीम लगाएं तो जो छाइयों की क्रीम है वो कैसे लगाएं, तो आप सुबह में डे क्रीम लगाएं, शाम में जो है आप लोग छाइयों की क्रीम लगाएं और रात में जो ये मैंने बताई है नाइट क्रीम वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सब मसले हल हो जाएंगे, स्किन पे ग्लो भी आएगा और सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो आप लोग भी अगर चाहें तो यूज़ करके देखें, अदरवाइज़ थोड़ा वेट करें मैं यूज़ करूँ, तो 1 या 2 वीक के बाद में आप लोगों के साथ इन सब चीज़ों का इंशाल्लाह रिव्यू शेयर करूँगी।
तो अब बारी आती है इस फेस वॉश की। यह है जी न्यूट्रीजीना का क्लियर एंड रेडिएंट फेस वॉश। ये आपकी स्किन को क्लियर करेगा, रेडिएंट रखेगा, आपकी स्किन स्मूथ बनाएगा और आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ाएगा। काफ़ी बेस्ट है और इसमें जो है विटामिन सी एंड पिंक ग्रेप फ्रूट जो है वो ऐड है। तो फ्रूट्स का जो है फेस वॉश है, नॉर्मल स्किन का, ऑयली स्किन का, हर टाइप्स के होते हैं। आप लोग अपनी स्किन के हिसाब से ये मंगवा कर यूज़ कर सकते हैं और इसकी रिफ़ल देखें। आप ट्रेवल करें कहीं पे भी, अपनी बैग में ले जाएं, पर्स में ले जाएं, तो ये लॉक होती है आसानी से। आप ट्रेवलिंग में भी ये साथ में ले जा सकते हैं। काफ़ी बेस्ट और बेहतरीन लगी मुझे, जेल टाइप लगी देखने में जो है, इसका जेल भी अच्छा लगा, तो काफ़ी बेहतरीन है ये भी। इंशाल्लाह सब चीज़ें यूज़ करने के बाद सही सही में इसके रिजल्ट्स कितने दिनों में मिले हैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।